आप अलग अलग तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं लॉकडाउन के तहत, काफी आज भी आपने अनूठे तरह से जनसेवा के लिए आ गए हैं, तो बताइए क्या है पूरा? ये देखो, भारत के प्रधानमंत्री से लेके हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और नवलगढ़ के विधायक और यहाँ की प्रशासन, उनका जो कार्यशैली देखते हुए मेरे अंदर भाव जो जागा, उस भाव से मैं मेरे पर्सनल स्तर से ये सब व्यवस्था जो नाश्ते की है, ये गरीबों को जो किट है मेरी तरफ से जो बांटे हैं वो अलग से मैंने बांटे हैं, और सैनिटाइजर है, पानी की बोतल है, ये सब आप लोगों की प्रेरणा। हमारे सीआई साहब के पास भी, मैं 3 दिन पहले यहाँ बैठा था, तो इन्होंने, इनकी भी जो मैं कार्यशैली देख रहा हूँ, उससे मेरा दिल है वो मां से और ज्यादा काम करने का उत्साहित कर रहा है कि अपन और भी जितनी ज्यादा सेवा कर सकें। और प्रशासन के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये जो नाश्ते की व्यवस्था, ये एक ऐसी है कि ये लोग सुबह से लेकर रात तक, सुबह खाना खा के जाते हैं, दोपहर में खाना, रात को खाना खाते हैं, इनके लिए कुछ अलग करना आज पब्लिक के लिए भी हम कर रहे हैं, अपन सब गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, पर ये सब व्यवस्था मेरा आप लोगों की वजह से ही उत्साह हुआ, जिसमें अनु जी महेश्वरी, अनिल जी पारिक, लोकेश जी जांगिड़ है, रविंद्र जी मिश्रा जो मेरे प्रेरणा सूत्र हैं, उनकी तरफ से भी मैंने ये इस बात का मेरे को प्रेरणा मिली, तो मैं आगे बढ़ के आगे भी और काम करता रहूंगा। ऐसा है कि जो अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो लॉकडाउन का जो चल रहा है अभी पीरियड, उसके अंदर नवलगढ़ के लोगों ने बहुत ही अच्छे धैर्य से और साहस से प्रशासन का साथ दिया है, और बहुत ही अनुशासन के साथ जिस हिसाब से अभी चल रहा है, मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी तरीके से प्रशासन का साथ देंगे। प्रशासन के जो हमारे मुलाजमान हैं, जो सड़क पे काम कर रहे हैं, जो दिन रात जनता की सेवा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को नाश्ता करवाने के लिए हमारे जो शहर के जो देवीदत्त जी मुरारका हैं, देवीदत्त जी मुरारका साहब हैं, जिन्होंने अभी कल परसों भी काफी गरीब लोगों के लिए किट बांटे थे, उन्होंने हमारे सिपाहियों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है, अच्छा लगा, इससे हमारा मनोबल ऊंचा हो रहा है और जनता का जो सहयोग है, ऐसे भामाशाहों का जो साथ है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ के अंदर जानवरों के लिए वो केले भी बांट रहे हैं, पानी की बॉटल्स भी जो चौराहे पे हमारे सिपाही खड़े हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी उनको दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो इसी तरीके से जनहित के अंदर और हमारे मुलाजमान जो पुलिस के जो काम कर रहे हैं धूप के अंदर, उनका साथ देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करता रहेंगे तथा उनका मनोबल ऊंचा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।